श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जो दायक फलचार। ये फलचार कौन है? केवल एक हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी की साधना करने से, हनुमान जी की आराधना करने से सर्व मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं, सभी प्रकार के मनोकामना पूरा हो जाते हैं। और देवता चीत न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। जो हनुमान जी को अपना इष्ट बना लेता है उस व्यक्ति को कहीं और जगह भटकने की जरूरत नहीं है। केवल हनुमान जी को अपना भगवान बना लीजिए, अपना प्रभु मान लीजिए, अपना इष्ट बना लीजिए। क्योंकि सारे देवताओं का एजेंट है हनुमान जी। कोई भी बिल पास होता है, कहीं से भी कोई बिल पास होता है तो वह हनुमान जी के सामने ही, अंत में जब तक हनुमान जी इसको पास नहीं करते तब तक पास नहीं होता। चाहे धर्म का बिल हो, अर्थ का बिल हो, मोक्ष का बिल हो, जो भी कुछ बिल हो, विद्या का बिल हो, संतान प्राप्ति का बिल हो, जो भी कुछ आशीर्वाद वरदान पाना हो, हनुमान जी उसके एजेंट हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, हनुमान जी जो हैं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। और देवता के पास यदि आप जाते हैं तो और देवताओं को बिना सवारी के वो लोग कहीं नहीं जाते। दुर्गा जी के पास जाएंगे तो उनका सवारी बाघ है, हो सकता है। जिस समय आप दुर्गा जी के पास जाएंगे हो सकता है उस समय उनका बाघ कहीं जंगल में शिकार करने गया हो। वो कहेंगे कि अभी रुक जाओ, हमारा बाघ शेर आता है शिकार करके, उसके बाद हम तुम्हारा किस देखेंगे। गणेश जी के पास जाएंगे तो गणेश जी का सवारी मूस है। गणेश जी कहेंगे कि अभी रुकिए, हमारा मूस कहीं खेलने गया है, दौड़ने गया है। हमारा सवारी ड्राइवर आता है, उसके बाद हम आपके केस को देखेंगे। लेकिन हनुमान जी के पास ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ केवल हनुमान जी से प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान जी को कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं। हनुमान जी बिना ड्राइवर के उड़ने वाले देवता हैं। हनुमान जी में और देवता में अंतर इतना है कि और देवता लोग आपको संकट से बचाते हैं, लेकिन हनुमान जी संकट से छुड़ा करके लाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुटावे। शंकर जी बचाने, हनुमान जी बचाने का काम नहीं करते, डायरेक्ट जा करके छुड़ा करके लाते हैं। डायरेक्ट हनुमान जी का दवा असर करता है। इसलिए जो भी भक्त हनुमान जी को अपना केवल इष्ट मान लेता है उसका सभी प्रकार के इच्छा पूर्ण हो जाता है। आइए हम सब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सदियु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अनंत
निधन गोत्र पवन सुतना हबीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कर सुवन केसरीनंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणि अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को नथिया राम लखन सबदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मा के मने सानंद सारन सहित आईता जब कुबेर जी का पाल जहां ते कवि कोबीन कहि सकई कहते तुम उपकार सुखी वही के नाम मिलाए राज पद भी तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे हो सब सुगल है तुम्हारी सजना तुम रक्षक का हो को डर अपन तेज समाज आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत पिशाच कट नहीं हो महावीर जब नाम सुनावे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आज सीधे नाम दे सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम गोपाल जन्म जन्म के दुख विसरावे काल रघुपति पुर जाए जन जन्म हरि भक्त कहाए सब पीरा जो सुन रहे हनुमत बलबीरा जो सत बार पाठ कर कोई छूत ही बंदी महासुख होई तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मन डेरा I'm not
लय